हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिसेट रियलमी डिवाइस, यानी कि इस फ़ोन को पूरी तरह से रिसेट कैसे करें। फैक्ट्री रिसेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन में जितने सारे अकाउंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोटोज़, वीडियोज़, एप्स वगैरह जो भी है सब कुछ डिलीट हो जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और हो सके तो इस डिवाइस से दूसरा फ़ोन में सारे इंपॉर्टेंट डेटा ट्रांसफ़र कर लेना। फैक्ट्री रिसेट मारने के लिए सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में आना होगा। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे टैप करके फाइंड करना है फैक्ट्री। फैक्ट्री लिखते ही यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, तो इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक करके आप सीधा फ़ोन रिसेट ऑप्शन में जा सकते हैं। या तो फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, इसके बाद सिस्टम सेटिंग्स पर टैप करेंगे, फिर से नीचे जाइए, नेक्स्ट बैकअप में आना है, इसके बाद रिसेट फ़ोन। रिसेट फ़ोन सेटिंग्स के अंदर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप नेटवर्क सेटिंग रिसेट, ओनली सिस्टम फ़ोन सेटिंग रिसेट और फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं। दोस्तों फैक्ट्री रिसेट करने से पहले आप अपना डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए। रिस्टार्ट का मतलब है फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना, या तो ओनली सिस्टम सेटिंग रिसेट करके देखिए। हो सकता है कि आप जिसके कारण डिवाइस फॉर्मेट करने चाहते थे वो सॉल्व हो गया होगा। दोस्तों अब हम फैक्ट्री रिसेट करना सीखेंगे। फैक्ट्री रिसेट करने के लिए इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करिए। अगर आपके फ़ोन में कोई स्क्रीन लॉक सेट किया हुआ है तो उसका पासवर्ड इधर एंटर करना होगा। इसके बाद टू टाइम इरेज डेटा पर क्लिक करके कॉन्फर्म कर देंगे। डिवाइस फॉर्मेट होने में 5 से 20 मिनट तक लग सकते हैं, तब तक आप यहाँ पे इंतजार करिए। और हो सके तो मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट करके रखिए, क्योंकि बैटरी परसेंटेज कम होने के कारण कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब तक आपका डिवाइस पूरी तरह से रिसेट ना हो जाए तब तक आप इस फ़ोन को चालू या बंद करने का कोशिश ना करें। डिवाइस बूट होने के बाद आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप जिसके वजह से डिवाइस रिसेट किया है वो भी सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फ़ोन को रिसेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।